इमामबाड़ा स्टेट से निकलने वाला 10वीं मुहर्रम का रवायती शाही जुलूस मंगलवार को पूरे लाओ लश्कर के साथ निकला। मियां साहब के पुत्र सैयद अयान अली शाह मियां साहब जूनियर की अगुवाई में निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अयान अली शाह अपने काफिले के साथ जुलूस लेकर इमामबाड़ा स्टेट के पश्चिमी फाटक से निकले। काफिले में बैंड बाजा, परंपरागत ढोल ताशा के साथ उनके निजी सुरक्षा गार्ड रंग बिरंगी पोशाक में जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे। जुलूस का कई जगह स्वागत किया गया। जुलूस सबसे पहले बख्शीपुर हजरत कमाल शहीद की मजार पर पहुंचा, जहां अयान अली शाह ने अपने साथियों के साथ फातिहा पढ़ी। विभिन्न रास्तों खूनीपुर, चौरैया गोला, इस्माइलपुर, नखास, कोतवाली आदि से होता हुआ जुलूस इमामबाड़े के दक्षिणी फाटक से अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद जुलूस समाप्ति की घोषणा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी अदनान फरुख अली शाह उर्फ मियां साहब ने कहा कि आज 10वीं का मुहर्रम का दिन है। मियां साहब का गश्ती अमलों का जुलूस, जिसे शाह जुलूस कहा जाता है, वह सकुशल सम्पन्न हुआ। जुलूस का आज आखिरी दिन था। मुहर्रम की 5वीं तक उन्होंने जुलूस का नेतृत्व किया और चला भी, और मुहर्रम की 6 तारीख तक चला, लेकिन उसके बाद से उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। अभी भी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उनके बेटे सैयद अयान अली शाह ने 7वीं 8वीं जो अंदर की गश्त होते हैं वह पूरे किए, और मुहर्रम के 9वीं और 10वीं के जुलूस जो शहर के कई हिस्सों से निकलते हैं उनको सैयद अयान अली शाह ने ही पूरा किया। उन्होंने कहा, शाही जुलूस के सकुशल संपन्न होने के लिए हम तमाम मुतवल्ली, बुद्धिजीवी और ताजेदार हैं, उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया, और साथ साथ में जिला प्रशासन का बहुत ही सहयोग देखने को मिला है। इस बार पुलिस फोर्स की व्यवस्था दुगनी थी और इतना अच्छा जिला व पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था किया था, इसके लिए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुतवल्ली हो या आम लोग, सहित जिला व पुलिस प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से टेलीफोन पर बात करते हुए इमामबाड़ा स्टेट के गद्दी नशी तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य अदनान फरुख अली शाह उर्फ मियां साहब ने कहा,
मियां साहब आ चुके हैं करबले तक खड़े हुए हैं। आयान अली शाह आज नए साल में और नए मियां साहब को देख लीजिए सर, नए साल में नए मियां साहब को देख लीजिए। आयान अली शाह चाय मिली आपको ना? हाँ, आज दसवीं का मुहर्रम का दिन है और मियां साहब का जो गश्ती हम लोग का जुलूस है, शाही जुलूस जो कहलाता है, आज उसका आखिरी दिन था और वो बहुत सकुशल संपन्न हुआ। इसके लिए मैं तमाम अपने मुतवल्ली बुद्धिजीवी और जो भी ताजेदार है उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा साथ दिया और साथ साथ में जिला प्रशासन का भी बहुत इस बार सहयोग देखने को मिला है और इस बार फोर्स भी एक देखा जाए तो दोगुनी थी और इतना अच्छा इंतजाम कहीं नहीं देखने को, पहले देखने को कभी नहीं मिला था जो इस बार देखने को मिला है। तो मैं तहे दिल से हर इंसान को, हर जिला प्रशासन हो या मुतवल्ली हो, सबको मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ। तो आपके सुपुत्र जो है आज लीड किए आपके तबीयत नासाज होने से जी, आपकी से जो मुहर्रम का सिलसिला चला पचई तक तो मैंने जुलूस को किया, उसमें मैं चला भी, बल्कि कहा जाए पांचवी के बाद भी मुहर्रम की छह तारीख तक मैं चला। उसके बाद से मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई और थोड़ी सी उम्र का तकाजा ले लीजिए या जो भी कहिए, उससे तबीयत इतनी बिगड़ी कि मैं अभी भी तबीयत मेरी ठीक है नहीं। उसकी वजह से मेरा बेटा जो है सैयद आयान अली शाह, उन्होंने सातवीं आठवीं जो अंदर के गश्त होते हैं वो पूरे किए और मुहर्रम की नवी दसवीं जो बड़े जुलूस होते हैं जो शहर में कई हिस्सों से निकलते जाते हैं, वो आयान अली शाह ने ही उसको पूरा किया।